इस बिल्डिंग को गौर से देखिए। आप सोच रहे होंगे इस बिल्डिंग को मैं गौर से देखने के लिए बोल क्यों रहा हूँ और ये इतनी खास क्यों है, और इसके पीछे का रीजन ये है कि इन बिल्डिंग्स के कारण हमारे देश के दो बड़े सिटीज के बीच में जंग छिड़ी हुई है। वो सिटीज है मुंबई और सूरत, और इस जंग के पीछे का कारण है हीरा या डायमंड्स। तो क्या है ये जंग, कैसे ये छिड़ी, हिस्ट्री क्या है इसकी, आज इसी के बारे में हम जानेंगे। क्या आपको पता है कि इंडिया दुनिया में सबसे ज्यादा डायमंड्स एक्सपोर्ट करता है, लेकिन अगर हम पिछले कई दशकों की बात करें, इनफैक्ट कुछ सदियों की भी बात करें, तो भारत में कोई हीरे की बड़ी माइन नहीं है। ये सच है कि एक जमाने में इंडिया अकेला सोजो करता था डायमंड्स का, पन्ना के माइंस की वजह से, लेकिन आज प्रोडक्शन के मामले में हम इतना आगे नहीं है, इनफैक्ट टॉप 10 में भी नहीं आते, लेकिन इसके बावजूद हम दुनिया के सबसे बड़े डायमंड एक्सपोर्टर्स है। और ये क्यों है, इसका जवाब आपको मिलेगा सूरत में। आपको पता ही होगा सूरत डायमंड सिटी के नाम से जाना जाता है, ना सिर्फ इंडिया बल्कि दुनिया भर में डायमंड कटिंग और पॉलिशिंग इंडस्ट्री के नाम से इसे जाना जाता है। आपको जानकर हैरानी होगी कि दुनिया के 90% से ज्यादा डायमंड्स इंडिया में पॉलिश होते हैं, और उसमें भी 99% डायमंड्स अकेले सूरत में पॉलिश होते हैं। लेकिन इसमें भी एक बड़ी हैरानी की बात यह है कि ये मुकाम सूरत ने पास के 100 सालों से भी कम वक्त में हासिल किया है। एक समय पर जब भारत दुनिया के अंदर अकेले डायमंड प्रोड्यूस करने वाला देश था, उस समय पर आज के आंध्र प्रदेश या तेलंगाना इन रीजन्स के अंदर ज्यादातर डायमंड्स निकला करते थे, और डायमंड्स को देश के अलग अलग जगहों पर भेजकर पॉलिश करवाया जाता था। इवेंचुअली गोवा से दुनिया भर में इनको एक्सपोर्ट भी किया जाता था, लेकिन इसके बाद में सूरत डायमंड हब बना, जिसके ऊपर मैं एक डेडिकेटेड वीडियो बना सकता हूँ, जो आप जाकर देख सकते हो। अब समझते कि मुंबई और सूरत के बीच में डायमंड वॉर का बैकग्राउंड। इंडिपेंडेंस के बाद सूरत डायमंड हब के रूप में उभर चुका था। ऑन दी अदर हैंड ब्रिटिशर्स ने जिस मुंबई को एक पोर्ट सिटी के रूप में डेवलप किया था, उसकी इंपॉर्टेंस बढ़ती जा रही थी। मुंबई के अंदर कोस्ट के जैसे बड़े बेनिफिट्स थे, और इसलिए इकोनॉमिक हब के रूप में उभरा। मोस्ट ट्रेड मुंबई से ही होता था, और ये शुरू हुआ ओपीएम से, फिर बाद में ये हो गया टेक्सटाइल्स एंड कॉटन के अंदर, और आज यहाँ पे वैसे देखे तो आईटी पार्क्स, बैंकिंग सेक्टर, इन सब चीजों के साथ में अभी भी बहुत ज्यादा ट्रेड होता है समुद्र के जरिए, और इसलिए इंटरनेशनली मुंबई का एक्सपोजर बहुत ज्यादा था, और इसलिए डायमंड एक्सपोर्ट के लिए भी मुंबई एक हब बनके उभरा, क्योंकि यहाँ पर ही ज्यादातर सेलर्स आते थे। सूरत में हीरो की कटिंग और पॉलिशिंग करके इनको मुंबई लाया जाता और उन्हें इंटरनेशनली एक्सपोर्ट किया जाता। 1980 तक इंडिया की डायमंड इंडस्ट्री अच्छे खासे लेवल पर ग्रो हो रही थी, लेकिन 1984-85 में एक ऐसा बम फटा जिसने मुंबई और सूरत दोनों की किस्मत बदल कर रख दी। दरअसल उस साल ऑस्ट्रेलिया में डायमंड के बड़े डिपॉजिट्स मिले, क्योंकि तब तक डायमंड्स की बेहतरीन कारीगरी के कारण सूरत कटिंग एंड पॉलिशिंग इंडस्ट्री का धाक दुनिया भर में बैठ चुका था। इसलिए ऑस्ट्रेलिया के डिपॉजिट्स निकलने की वजह से बहुत ज्यादा डायमंड्स सूरत में पोर किए जाते, और इसके वजह से सूरत के अंदर की इंडस्ट्री की डिमांड बहुत ज्यादा बढ़ने लगी। 1966 में डायमंड एक्सपोर्ट्स भारत में से $17 मिलियन के हुए थे, और उसके बाद में कंटिन्यूसली बढ़ते बढ़ते बिलियंस ऑफ डॉलर्स तक पहुंचने लगे। इस बढ़ते बिजनेस को देखते हुए मुंबई में डायमंड ट्रेडर्स को एक ऐसी फैसिलिटी बनाने पर सोच विचार करना पड़ा जहां पर डायमंड ट्रेडिंग इजीली हो पाए, और जो भी सर्विसेज इस ट्रेड के लिए लगते हैं वो एक रूफ में मिले, यानी ऑफिसेज, बैंक्स, लॉकर्स, वॉल्ट्स, कस्टम क्लियरेंस फैसिलिटीज, और इसके लिए बनाया गया भारत डायमंड बोर्ड या BDB। 1984 में BDB की शुरुआत हुई, और MMRDA ने 20 एकड़ जमीन 80 साल की लीज पर दी थी मुंबई के BKC एरिया में, जहां पर इसे डेवलप किया गया। इनिशियली यहां पर मिनरल्स एंड मेटल ट्रेडिंग कॉर्पोरेशन के रूप में एक पब्लिक सेक्टर यूनिट भी बनाई गई थी, एक PSU कंपनी बनाई गई थी जो इन्वॉल्व थी, लेकिन कुछ कारणों की वजह से ये PSU बाद में इसके बाहर चली गई, और काम जो है वो ठंडा हो गया। 1992 में फिर इस पर काम शुरू हुआ, लेकिन इसके ऊपर कुछ सालों बाद पेमेंट डिफॉल्ट के कारण BDB कमेटी जो इस बिल्डिंग को कंस्ट्रक्ट कर रही थी उनके बीच और आर्किटेक्ट कॉन्ट्रैक्टर्स के बीच में डिस्प्यूट हुआ, और फिर से थोड़ा प्रोजेक्ट डिले हुआ। इस प्रोजेक्ट के ऊपर 1998 में होल्ड लगा दिया गया, और 3 साल तक डिस्प्यूट सुलझता रहा, जिसके बाद में 2001 में जाकर इसका काम फिर से स्टार्ट हुआ, और 2010 में फाइनल इनॉग्रेशन। संकटों के बावजूद बिल्डिंग बन तो गई, लेकिन ट्रेडर्स को इसका बहुत फायदा हुआ। 10 जगह घूमने के बदले अब वो एक छत के नीचे डायमंड ट्रेडिंग कर सकते थे, और मुंबई के अंदर से जो डायमंड एक्सपोर्ट्स है वो बहुत ज्यादा होने लगा। सूरत में डायमंड पॉलिश होने के बावजूद ये मुंबई में आकर BDB में ही फाइनली बेचकर पैसे ले आते थे। अब देखने के लिए काम बहुत बढ़िया लगता है, लेकिन प्रॉब्लम ये आ रही थी कि BDB में काम करने वाले वर्कर्स को एक समस्या होने लगी। BDB की वजह से BKC एक अल्ट्रा रिच एरिया बना, क्योंकि डायमंड ट्रेडर्स थे, और इससे लोकल एरियाज की कीमतें बहुत बढ़ने लगी, और उन्हें रहने के लिए दिक्कत आने लगी, क्योंकि जो छोटे ट्रेडर्स थे वो BKC जैसे एरियाज को बाद में अफोर्ड नहीं कर सकते थे। इसके
के कारण ट्रेडर्स बिजनेस के लिए सूरत से मुंबई और फिर मुंबई से वापस सूरत डेली या कभी कभी वीकली बेसिस पर आना जाना करते थे और इनके लिए हेडेक बन गया। साथ साथ ट्रैवलिंग के दौरान सेफ्टी इशू भी होता था, अगर आप ट्रेन में करोड़ों के हीरे लेके चल रहे हो तो ऑब्वियसली रिस्क है। और ये जो आप कह सकते हो बहुत बड़े बड़े डायमंड हाउसेज और छोटे डायमंड हाउसेज है, उनके बीच में पैसों की वजह से ये दिक्कतें आने लगी जो कि एक समस्या बनते जा रही थी, क्योंकि इन दी एंड सूरत का पैसा कहीं ना कहीं पर मुंबई रूट से आ रहा था। और इसलिए बहुत ज्यादा डिमांड के बाद 2015 में सूरत में सूरत डायमंड बोर्स बनाने पर काम स्टार्ट हुआ। आज अगर बात करें तो ये बनकर तैयार हो चुका है और जो मैंने स्टार्टिंग में बिल्डिंग दिखाई वो वही थी। बीडीबी के ट्रेडर्स को अट्रैक्ट करने के लिए सूरत डायमंड बोर्स के ट्रेडर्स ने कई लुभावने ऑफर्स दिए, जैसे 6 महीने के लिए ऑफिस बिना रेंट बिना मेंटेनेंस के दे सकते हैं, कई बार तो है जो है मेंटेनेंस लाइफ टाइम के लिए फ्री है बड़े टेनेंट्स के लिए, ऑफिस के अंदर फर्नीचर का काम भी जो है पूरा सूरत डायमंड बोर्स करके देगी और उनके बोर्ड पर नाम गोल्डन वर्ड्स में लिखा जाएगा, जो कि ऑब्वियसली अट्रैक्टिव बनाते हैं किसी भी कंपनी को अपना ऑफिस शिफ्ट करने के लिए। सूरत से मुंबई जाकर बेचने का स्ट्रेस होता नहीं है इस सेंटर के अंदर, जिसकी वजह से धीरे धीरे जो ट्रेडिंग का काम है वो सूरत में शिफ्ट होना शुरू हुआ है और मुंबई के मुकाबले में ज्यादा सस्ते और दूसरे फायदों की वजह से भारत डायमंड बोर्स और सूरत डायमंड बीस के बीच में कॉम्पिटिशन बढ़ने लगा है और फ्यूचर में ऐसे लग रहा है कि सूरत डायमंड बोर्स भारत डायमंड बोर्स को पीछे छोड़ देगा। लेकिन जहां पर बात आती है दो इकोनॉमिकली रिच स्टेट्स की, तब बात पॉलिटिक्स पे भी पहुंचती है और ऑब्वियसली महाराष्ट्र में से ऑलरेडी जो काफी ज्यादा चर्चा में जा रहा है टॉपिक वो ये है कि बिजनेसेस महाराष्ट्र में से गुजरात में शिफ्ट हो रहे हैं और इसका ये क्लियर एग्जांपल था। इसी को देखते हुए ये एक पॉलिटिकल वॉर भी बन गया और सूरत डायमंड बोर्स को काउंटर करने के लिए महाराष्ट्र ने अब जेम्स एंड ज्वेलरी एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल मुंबई के जरिए इंडिया ज्वेलरी पार्क बनाने का डिसीजन लिया है नवी मुंबई के अंदर, जहां पर 21 एकर्स ऑफ लैंड अलॉट कर दिया गया है और महाराष्ट्र इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन ने बनाएगी, जिसके पास ट्रैक रिकॉर्ड अच्छा है। ये जो ज्वेलरी पार्क होगा यहाँ पे अभी सिर्फ डायमंड्स पे महाराष्ट्र फोकस नहीं करेगा, लेकिन एक नया बेंचमार्क सेट करेगा चाइना इटली जैसे देशों के ज्वेलरी यूनिट्स के साथ, जहां पर 2000 से भी ज्यादा जेम्स एंड ज्वेलरी यूनिट्स मौजूद होंगे और 20,000 करोड़ से ज्यादा की इन्वेस्टमेंट यहाँ पे अट्रैक्ट होगी ऐसा कहा गया है। डायमंड्स का गोल्ड सिल्वर प्लैटिनम जो प्रेशियस स्टोन्स वगैरह होते हैं उनकी कारीगरी यहाँ पे करते हुए 1,00,000 से ज्यादा जॉब्स नवी मुंबई में महाराष्ट्र क्रिएट करेगा इस नए ज्वेलरी पार्क के जरिए, ऐसा इन्होंने कहा है। और अगेन जो मुंबई को झटका लगा है सूरत डायमंड बोर्स की वजह से, तो सूरत डायमंड बोर्स को झटका लगेगा नवी मुंबई के इस ज्वेलरी पार्क की वजह से, ऐसा अनुमान लगाया गया है। लेकिन ये जो तीसरा वाला प्रोजेक्ट है इसके ऊपर बहुत आराम से काम चल रहा है, इसको बनने में टाइम लगेगा। वैसे करेंटली हम देखें तो सूरत के अंदर 60% के आसपास डायमंड पॉलिश हो रहे हैं, क्योंकि अलरोसा नाम की एक रशियन कंपनी है जिनके ऊपर सैंक्शन लगे हैं और रशिया यूक्रेन वॉर की वजह से उनके द्वारा जो आने वाला काम है वो लिमिटेड हो गया है और इसके वजह से उन कंपनीज के डायमंड्स को एक्सपोर्ट करने पे भी इंटरनेशनल मार्केट में सैंक्शन है, जो कि सूरत को थोड़ी दिक्कतें दिला रहे हैं, लेकिन ये टेम्पररी इशूज है, धीरे धीरे ये चीज़ें सॉल्व हो जाएगी। लेकिन एक चीज यहाँ पर देखने के लिए मिल रही है कि भारत में आज शहर इकोनॉमिक बेसिस पे कम्पीट कर रहे हैं, जॉब क्रिएशन बेसिस पे कम्पीट कर रहे हैं, इकोनॉमी में पैसा लाने के बेसिस पे कम्पीट कर रहे हैं, जो कि देखा जाए तो देश के लिए ओवरऑल अच्छी बात है और इस तरीके का फाइट ज्यादा अच्छा है किसी भी दूसरे तरीके के पॉलिटिकल फाइट से। और ये रही कहानी देश के अंदर बन रहे दो मेगा ज्वेल सेंटर्स की। आपको क्या लगता है ये जंग आगे जाकर कौन जीतेगा या दोनों इक्वली एक बार जाके स्टैंड हो जाएंगे, मुझे कमेंट्स में जरूर बताना और मिलेंगे अगले वीडियो में।